Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मायर, मायर वो मेरी रिंग गायब हो गई है। पूरे 10 लाख की थी, साइड टेबल पे रखी थी मैंने। कैसी बातें कर रही हो? रूम में ही होगी, अच्छी तरह ढूंढ लो ना। मायर, मैंने सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। कसम ले ले, मैंने कोई बात नहीं की। सर जी ने खुद आके इफ्तारी का पूछा था मुझसे, मैं नहीं गई थी उनके पास। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो, बोलो। मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ बस। और ओ पागल के बच्चे, तू नई झाड़ा नहीं ला सकता था। बहुत ही डीप जिन है भाई, ऐसे नहीं जाएगा ये। मुझे लगता है कि आपके लिए अब इम्पोर्टेंट बिल्लो हो गई है। तुम बात को गलत रंग दे रही हो। रंग तो आपने दिया है बात को। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे गोली कहाँ हो तुम? मेरी आंख में मिर्च लग रही, साबुन लगा हुआ है। गोली, अबे पागल हो गई क्या? बहुत बहुत बहुत, अबे मैं नन्नी हूँ नन्नी, मेरी आंख में मिर्च लग रही है, मोटर खोल दे जान। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। अल्लाह मैं क्या करूँ? गोली, गोली मुझे मिर्च लग रही है आंखों में। दामा हो रहे गोली, कहाँ मरे वो तुम? अभी ये क्या हो तेरे को? अल्लाह, पानी दे दो मुझे, पानी दे दो, पानी खत्म हो गया, मुंह धो रही थी। मोटर चलाओ। चला रहे हो, चला रहे हो। पानी तो दिया, तुम्हें मिर्चे लग रही है मेरे, जाओ। अबे जा रहे हो आराम से, तू तो हट, जगह तो दे इधर। मुझे भी लेके चलो बल्कि। अबे तुझे भी लेके चलूं? हाँ, बेसन दे मुंह धोने। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? तुम्हें इंतजार करवाना बहुत पसंद है क्या? नहीं, मुझे सब्र करना अच्छा लगता है, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कहाँ थे, इतनी देर से क्यों आए हो? तुम्हारे लिए कुछ लाया। सच? क्या? मेहंदी? तुम्हारे हाथों के लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मेहंदी मुझे बहुत पसंद है? जब मुझे मेहंदी की खुशबू पसंद है तो तुम्हें मेहंदी तो लाजिम पसंद होगी। तुम भी ना बहुत मुश्किल बातें करने लगे हो। बहनो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस ईद पर अपने हाथों पे ये मेहंदी लगाओ। मैं अपने हाथों में यही मेहंदी लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी। थैंक यू। क्या हुआ अम्मा? अरे 1.5 लाख का बिल आया, बिजली वालों ने बिल दिया। 1.5 लाख का बिल? अरे चालू था ना, हम इस्तेमाल भी करते और खा भी ले रहे, तो इतना बिल नहीं आया ना। इतना मेरा दर्द हो, 15-15 दिन से लाए थे बंदर से, और इतना तक बिल भेजने से आए ना, तो खुदा पूछे। अम्मा, ये तो सच में बहुत ज्यादा बिल भेज दिए। ये तो मुझे लगता है गलत बिल भेजा है किसी का। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं क्या? हाँ, तो बुला। मैं अभी ना बिजली के घर वालों के पास भिजवाती हूँ बिल। अम्मा, हम लोग बिल तो भरते रहे थे ना हर महीने। क्या मतलब है तेरा? हम बिल नहीं भर रहे थे, चोरी कर रहे थे बिजली। क्या पता हमारी कोई बिजली चोरी करता हो।
अरे क्या बता तो रहा है, हमारे बच्चों को तो आती बाती तो पुता के ही मिलती है, मोहब्बत में लगे रहते हैं। ये नहीं जरा देश में घर में क्या हो रहा है, तो ना रहा है कोई पता ही नहीं है। अरे क्या तुम मैं तुम देखती ला देती आलम आलम हाय हाय नो याला याला अरे ये दिन देता बात ही रह जाता। ऐसा क्या हो गया माँ? ये नहीं पता दे दे तो नहीं देते भैया अमार डेढ़ लाख का बिल। अम्मा ये तो हमारी पूरी नस्लें भी नहीं भर सकती, गलती से आ गया होगा। अरे गलती तो नहीं आया, ये बिल हमारा ये मतलब पेटे हमारे नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या शोर है? अबे ये क्या है? मैं नहीं भरूंगी, मैं नहीं भरूंगी, मैं मर जाऊंगी, ये बिल नहीं भरूंगी। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही है। अरे तू डरो, अरे तू डरो। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे मेरा नहीं, बिल ठीक करवाओ, आप ही दाता है। दाँत जल्दी। अरे अम्मा इतनी शरीर गर्मी और रोजे में कौन बाहर निकलेगा? अरे इंसान बाहर निकलते हैं, थपता रोजा होता है। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सब तुम्हें बता के रोजा रखते हैं। बेदारा तराना, इतने पहले तो बिल और बढ़ता है। अम्मा अब रखे रखे बिल कैसे बढ़ जाएगा? तो बाहर निकल, इतनी बार तराना मैं कह रही हूँ। अच्छा चल बालम। अरे मैं नहीं जा रहा यार, मुझे अफ्तारी तक ना अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। अबे तुझे कौन सी रेसलिंग लड़नी है और एनर्जी बचा के कौन से पहाड़ खोल देगा तू? यार मुझे रोजा लग रहा है भाई। अब सारा दिन ऐसे फारिक बैठा रहेगा ना तो रोजा तो लगेगा। चल मेरे साथ चल, नहीं लगेगा। आ जा यार। अरे जा ना जा। हाँ नहीं तो लड़कियों की तरह बैठा रहता है, पर मैं नहीं जा रहा, पता नहीं अंदर दे तरह ना दे। अल्लाह क्या होता है, बिल कम होता है मेरे मालिक। अरे 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 क्या हुआ? बोलो अफ्तारी में कितनी देर है? 3 घंटे पड़े। 3 घंटे जी कौन गुजारेगा ये 3 घंटे? कैसे गुजरेंगे 3 घंटे? क्यों गुजरेंगे 3 घंटे? क्या होगा मेरे 3 घंटे? अब गोली एक काम करे, आप मेरे साथ इफ्तारी बना ले, 3 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इफ्तारी? घंटे बिल्लू ये बताओ कि तुम ईद के कपड़े बनाती हो? क्यों नहीं बनाती जी, इतने भरे भरे जोड़े बनाती हूँ और ना हाथ भर भर के चूड़ियाँ, बड़े बड़े झुमके, बालियाँ सब बनाती हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, खूब जी भर के शॉपिंग करना। शुक्रिया। वैसे आप क्या बनाएंगी इस ईद पर? अभी कुछ सोचा नहीं। और सर जी को किस तरह के कपड़े पसंद है, वो क्या बनाएंगे? क्यों तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, समझी? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, आपको उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता। आप तो वैसे खामखा ही नाराज हो जाती हैं, तुम्हारी बातें जो ऐसी हैं। बिल्लो ये लो मेरे कुछ पुराने कपड़े, तुम ईद पे पहन लेना, मैं अभी नहीं पहनती। बीबी जी मैं इस्तेमाल शुदा कपड़े नहीं पहनती। ओहो तो मैं अब तुम्हारे लिए बुटीक से ब्रांड न्यू कपड़े मंगवाऊं? मैंने तो नहीं आपसे कहा ना, आप मुझे कपड़े ला कर दे। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी बिल्लो, एक तो मैं तुम्हें कपड़े दे रही हूँ वो भी ब्रांडेड, और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। तुम्हें पता है ये सारे ड्रेसेस 10,000 अबव के हैं, समझी? बीबी जी 10,000 का हो या 20,000 का, मेरी खुददारी ना गवारा नहीं करती कि मैं इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनूं। तुम लोग भी खुददार होते हो क्या? ओ है बाजी ये क्या बात हुई, क्या हम इंसान नहीं है? देखिए हम गरीब जरूर है, लोगों के घरों में काम जरूर करते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम... अच्छा बस बस मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं तो नेकी कर रही थी, मगर तुम्हें नेकी रास नहीं है। बिल्लू अगर रोज तुम्हें कपड़े दे रही है तो ले लो, इसमें कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता। बीबी जी बात इज्जत और बेइज्जती की नहीं है, हमने बचपन से शायद 2 वक्त की रोटी खाई हो मगर कभी किसी के आगे ना हाथ नहीं फैलाया। ठीक है भाई, बड़ी इज्जतदार हो तुम, एक हम ही है यहाँ पे जिनकी इज्जत नहीं है, ठीक है खुश? ऐसे नहीं कहते रोज। बीबी जी अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं माफी चाहती हूँ। तुम लायक ही नहीं हो इन कपड़ों के, समझी? अरे मैं दिलवा दूंगी, तू फिक्र नहीं कर।
अरे रहने दे, इनकी बातों को कौन बुरा मानेगा, इधर बात ही ऐसी होती है सड़ी। अब मेरा मतलब है जरा बुरा लग जाता है, बहुत बोलती हूँ भाई तुम कसम से, अब आप भी उन्हीं की साइड ले गई। ये मालिक लोग तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हम मुलाजमो को तो इंसान ही नहीं समझते। तू क्यों उलझती है बेगम साहिबा से? मुझे कोई शौक नहीं है उलझने का, वो ये आके मेरे मुंह लगती है, सच्ची बात कहती हूँ ना इसलिए कड़वी लगती है। तो सिंगाड़े जैसा मुंह फुलाकर तू सच बोलती क्यों है? हाय तू कौन होता है मुझ पे हुक्म चलाने वाला, ज्यादा फजूल बातें ना करी मेरे साथ। और वैसे भी देखा जाए तो सरजी ही अमीर है, पैसों में भी और दिल में भी। आ गई ना दिल की बात जुबान पर, साहब जी बहुत अच्छे लगते तुझे। हाँ पसंद है तो? तो क्या शादी करेगी? ओए बशीर मेरा रोजाना होता ना तो एक थप्पड़ देती तुझे मैं, फजूल बातें करता है, आइंदा से इस तरह की खराफात अपने दिमाग में ना लाई वरना नौकरी से निकलवा दूंगी सरजी से कह के। साहब जी की इज्जत करती हूँ, साहब जी जैसे ऐसे माशी कुलूम पढ़ाते तेल वाले बर्तन फिर छोड़ गए, मुझे ही धोने पड़ेंगे। और वैसे भी मायर तुम्हें तो पता होगा ना कि वो रिंग तुमने कहाँ से ली थी, तो बस उसी मॉल ले चलो मुझे। क्या मतलब है? मायर को कैसे पता? यही है जिंदगी। रोजा लग रहा है आज, वाकई बहुत गर्मी। ऐसी कोई बात नहीं है, 10 साल की उम्र से रोजा रख रही हूँ, इतनी कच्ची नहीं हूँ कि किसी गर्मी से परेशान हो जाऊँ। परेशान तो बेचारे वो लोग होते हैं जो रोडों पे गर्मी में मेहनत मजदूरी करते हैं, बसों में धक्के खाते हैं, रोजे में होते हैं और पैदल चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, दुकानें खोलते हैं। हमारा क्या है, हम तो एसी में बैठते हैं आराम से, एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, हमें क्यों गर्मी परेशान करेगी? क्या बात, तुम्हें इतना एहसास है उन लोगों के लिए जिन लोगों को तुम जानती भी नहीं। जानते तो हैं हम इन्हें, यही तो हमारे काम करते हैं, सारी जिंदगी इन्हीं से काम पड़ता है हमें, घर बनाने से लेकर सब्जी लेने से लेकर घर के बाहर चौकीदारी करने से लेकर हमारे घर की सफाई करने तक, यही लोग तो हमारे साथ होते हैं, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। मैं बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी सोच की, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतना एहसास करती हो सब। अच्छा ये बताएं ईशा का मूड कुछ ठीक हुआ? मैं तो उसके सामने जाने से ही कतराती हूँ। तुम उससे इतना डरती क्यों कि तुम्हारा घर है उसका नहीं है? डरने की बात, मायर चलो ना मुझे रिंग दिलाने, तुमने कहा था ना मुझे लेके जाओगे। हाँ मैंने कहा था कि मैं तुम दोनों को लेकर जाऊं, लेकिन अभी तो अफ्तार का टाइम हो गया, अफ्तार के बाद चलेंगे। अब मायर हम मॉल जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे रिंग लेने के बाद हम अफ्तार वहीं कर लेंगे ना। मायर ले जाओ ना ईशा को। और वैसे भी मायर तुम्हें तो पता होगा ना कि वो रिंग तुमने कहाँ से ली थी, तो बस उसी मॉल ले चलो मुझे। क्या मतलब है, मायर को कैसे पता? मायर तुमने बताया नहीं हसीना को कि वो रिंग तुमने मुझे गिफ्ट की थी? हाँ हाँ मैंने ही गिफ्ट की थी, लेकिन 13 साल पहले। बस खुश, और कुछ बताना है इसे? मैं समझी हसीना को पता होगा, आई एम सॉरी हसीना अगर तुम्हें बुरा लगा तो। नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा ईशा, क्योंकि ये पुरानी बात है, नई बात नहीं, ये अंगूठी तुम्हें बहुत पहले दी थी मायर ने। चलो उस वक्त नहीं थी, लेकिन अब अगर मुझे मायर रिंग गिफ्ट करेगा तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? किस किस्म का बेहुदा सवाल, क्या बात कर रही हो तुम? मायर क्या हो गया, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मायर आप जाएं, ईशा को अंगूठी दिला के ले आए, हम खाना साथ खा लेंगे, आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अरे रुके, क्या मसला है, क्यों रोक रहा है भाई? मेरी भांजी का घर है, मैं कहीं पर भी जाऊँ ये मेरी भांजी का घर है। अस्सलाम वालेकुम जमात जी। सीना कैसी है? भाई कैसी है, बड़ी थक गई मैं तो, मर गई है। खालत तुम क्यों आ गई बाहर बताए? हाँ वो तुमने जो फोन किया था ना अंगूठी के लिए, सारा किस्सा सुनाया था ना, बस फिर क्या था, मैंने बाजी के सारे सामान की तलाशी ले ली
और रिंग मिल गई, ये देखो। अरे खाला तुम अंगूठी नहीं उतर ही नहीं रही, छोड़ वो खाला। अरे अरे खाला तुम्हारे ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो ईशा तुम्हारी रिंग। अब तुम्हें नई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो खुश हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो। हसीना हाँ। एक प्रॉब्लम है भाई। क्या? कुछ दिन के लिए तुझे अपने घर में रखना होगा मुझे। क्यों खाला, किस खुशी में? भाई देखना, अगर बाजी को पता चल गया तो वो तो मेरी बोटियां खा जाएंगे नोच नोच के। मगर खाला तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? बड़ी गलती करी मैंने तेरी मदद की। अंगूठी वापस कर भाई, अंगूठी वापस कर दे। ऐसा कुछ नहीं, आप जब तक चाहे यहाँ पे रह सकती हैं। ऐसे कैसे रह सकती हैं मायर? कह रहा हूँ इट्स ओके। हाय सच्चे जाऊ दामाद जी पर, कितना बड़ा और कितना प्यारा घर है। अब तू बस ठंडा सा पानी पिलवा दे मुझे। रोजा नहीं रखा खाला? और वो शुगर है ना मुझे, बीपी भी कितना हाई रहता है। रख लूंगी, जुम्मे का रख लूंगी। अरे ठंडे शरबत ही बनवा दे जरा सा। गोली गोली उठो ना, खाला की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, उठ जाओ। यार नन्नी मुझ पे रहम कर यार, मेरी रूह पर वास कर जाएगी अल्लाह के वास्ते। यार बुराई इतनी जल्दी नहीं जाती, शराबत से उठो वरना फिर। अबे यार ये अल्लाह के वास्ते अपना ये जो है ना चौधरी, इसको अंदर रखियो यार, एक रोजगार की बदवाई लेगा मिला वजह से अंदर ठेर जाएगी। बहुत कर ली तूने अय्याशी गोली, बहुत फायदा उठा लिया तूने रोजे का। उठ रहा हूँ। उठ, बिस्तर छोड़, कब से बिस्तर तोड़ रहा है तू, और जा नहीं तो तेरी नाक फोड़ दूंगा मैं। जा रहा हूँ भाई, साइड में हटोगे तो जाऊंगा ना, थोड़ा सा उधर उधर ऐसी ऐसी ऐसी। इतना मजा आ रहा है मुझे नाटक करते हुए, सारे काम मेरे पूरे हो रहे। अरे क्या हो गया खाला, तबीयत कैसी है? कुछ भी नहीं, भूख से ना टक्कर आ रही थी, अभी सही है। तो नींद नहीं रहा था, वो उसने मुझे उठाया कि जाके खाला को वहाँ ले जाओ अस्पताल डॉक्टर के पास। मुझे क्या ले जाए ना डॉक्टर के पास है, तुझे खुद टक्कर आ गई थी और मुझे ले लिया, तो बेहोशी हो रहा था। रहने दे, मेरी जिंदगी काली की हूँ मनुष चौधरी जो ना। उठ ये ले अब तेरी लो, मेरी जिंदगी काली की हुई है। क्या हुआ खाला, ज्यादा तबियत खराब हो रही है, ले लूंगा अभी ऐसी नहीं करो, बिल्कुल लग रही है नन्नी। या क्या पीछे आ गई वो, ऐसा लग रहा है चाह रहे थे लग रहा है। हाँ क्या हुआ क्या हुआ, गोली गोली उठे गोली, खाला देखो तो क्या हो गया, उठे ना गोली। तू नहीं खा सकता, नहीं खा सकता तू, क्यों नहीं खा सकता? जिनसे सवाल कर रहा है, जिनसे सवाल कर रहा है। अरे पोट पोट खाओ क्या, क्यों क्यों नहीं खाऊंगा, मुझे खाना है। तू नहीं खाएगा? अबे जिसका मसला होगा उसी से करूंगा, जिनसे मसला, जिनका सवाल किनसे थोड़ी करूंगा।
तू खाना खाए तू समोसा खाए रुक चौधरी साहब जनाब चौधरी साहब अल्लाह गोली अब तो बस सेकंडों का टाइम रह गया उठ जाओ प्लीज मोबाइल मारो ये क्या पागल वाली हरकत कर रहे हो गोली उठो ना मार मत मार क्या हो गया तुम्हें अभी ख्वाब चल लिया इधर क्या बात कर रहे हो इतनी देर में तुमने ख्वाब भी देख लिया झूठ तो मत बोला करो कम से कम हद कर दिए तुमने गोली ए डोली अदानता वत हो ना दुआ कर ले अपने लिए ताकत मांग ले अल्लाह से अल्लाह तुझे ताकत दे तमीज भी कहीं ताकत याद कर दी इसको भी कुछ ना सिखाया फिर आ गई तुम क्यों मेरे आने पे तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है क्या ये ले आप सबके लिए गर्मा गर्म बिरयानी यही है जिंदगी अब खाला कल मैं भी चलूंगी शॉपिंग पे मुझे भी ईद के कपड़े लेने मैं नहीं ले दाली वाली धनु ने मुझे पहले से दावा था उसको साथ दे दूंगी हाँ तो अच्छा है ना एक से दो हो जाएंगे मैं भी चलूंगी कहाँ जाने की बात हो रही है मैं तुम लोगों के साथ कल शॉपिंग पे जाने की बात कर रही हाँ मगर तेरी तबीयत तो ठीक नहीं है ना नन्नी क्यों मुझे क्या हुआ है तुझे वाकई में कुछ याद नहीं रहता नन्नी क्या याद नहीं रहता यही के हर वक्त ना बाल्टी थाली थाली नहीं बैठा है अस्सलाम वालेकुम खाला वालेकुम सलाम फिर आ गई तुम क्यों मेरे आने पे तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है क्या ये ले आप सबके लिए गर्मा गर्म बिरयानी तो हर वक्त किचन में रहती है पढ़ती वढ़ती नहीं है क्या पढ़ते तो जाहिल है अकलमंद तो सीखते हैं खाला बड़ी आई अकलमंद अकलमंद है अरे ये तो इतनी सी बिरयानी है इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ मोहब्बत सिखाओगे तो सबका पेट भर जाएगा वैसे तुझे नहीं लगता सपना कि तू कुछ ज्यादा ही बोलती है हाँ बोलती हूँ ज्यादा मगर मैं दिल में कोई बात नहीं रखती नन्ही पकड़िए बिरयानी मैं नहीं खाऊंगी अब हाय लत नहीं किया पूछ पूछ थैंक यू सो मच बिरयानी दे दी ना और कोई काम है यहाँ पर हाँ है मगर फालतू लोगों से नहीं है सूप बना रही हूँ खाला के लिए सहरी में लेके आऊंगी मतलब कि तुम सहरी में फिर आओगी लड़ती है वो बस नई नई चीजें बनाने का शौक है मुझे देते नन्नो देते तू थूप तुरती माला दबने थे मुद्दे थे तो बेवतू बनाता थे अम्मा एक छटांग भर लड़की के लिए तुम मुझे जलील कर रही हो छटांग भर की नहीं हूँ मैं पूरे 52 किलो की हूँ तुझे तो मैं देख लूंगी ठहर जा क्यों तो तेल लगा रही है तेल अच्छा थाना बना लेना मैं तेरी तारीफ करूंगी सही है अम्मा सही है सब देख लिया मैंने वो कहते हैं ना काम कर हसद ना कर सही कहते हैं बिल्कुल सपना अब तू भी ना ज्यादा थर पे नहीं चल दो तारीफें तैयार कर दी बस अरे मेरी होने वाली बहू है तो मैंने कब कहा कि उसकी जगह मुझे बहू बना लो अम्मा देख रही हो इसके तेवर यही तो चाहती है इसीलिए इस घर में बार बार आती है कैसे लोगों कोई दीनमान है भी तुम लोगों का ए समझते बात करना वरना नन्ही तो छोड़ दूंगी तेरे पर जरूरत नहीं है जा रही हूँ मैं सहरी में आऊंगी सूप लेकर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद फिर आऊंगी दिल से इज्जत करती हूँ खाला की वरना पलट कर मेरी चूती भी नहीं आती इस घर में चलती हूँ खाला तोबा तोबा कितनी हराफा लड़की है ये इतनी भी नहीं बड़ी सांस है धनु मैं ये सोच रहा था कि तुम शादी पे किस कलर का जोड़ा पहनोगी धनु किन सोचो में घूमो नहीं बस सर में दर्द हो रहा है अरे मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा था
कि शादी पे किस कलर का जोड़ा पहनूं। मैंने अभी तक सोचा नहीं। अबे क्या? तुम पे पर्पल कलर बहुत सूट करता है। मैं एक बात बताऊं? तुम पे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। तुम फिर किसी ख्याल में घूमोगे? धन्नो तुम उदास उदास मत रहा करो, हंसती रहा करो, हंसते भी अच्छी लगती। अच्छा ये बताओ, हाँ वलीमा हम किसी लॉन में करें या बैंकेट में? बताओ ना। हाय हाय हाय, अबे यार इधर किसी का चमन उजड़ रहा है और उधर लोग अपना गुलशन में गुल खिलाने की बात कर रहे। अबे यार गोली हौसला रखते। अबे कार कोसला अलमारी में रख दूं? अबे इधर बुरा हाल हुआ भाई का यार, डेढ़ पसली से सिंगल पसली में आ गए हो यार। अब कोई तो तरीका होगा ना जिनको भगाने का। अबे गोली देख, एक काम करते हैं कि नन्नी को किसी मजार पे ले चलते हैं। मजार क्या, जिन भगाने के लिए बनाए गए हैं क्या? अबे अच्छी खासी जिंदगानी चल रही थी आपको भाई की यार। अबे आ जाएगी तेरी जिंदगी में बाहर यार, लेकिन गोली तूने बहुत देर कर दी। जब जिन आया था ना तभी बताना चाहिए था। अबे मेरे को क्या पता था यार, मैं तो समझे ऐसे ही मार रही है, प्रैक्टिस कर रही है, पहली वाली भी नहीं करती थी। परेशान नहीं हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। हाँ यार मैं भी ये सोच रहा हूँ, ईद आने वाली उससे पहले हो जाए कुछ तो सही है, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगा यार। अबे यार रो क्यों रहा है, सब हो जाएगा सब हो जाएगा। अच्छा अब चल नीचे, पागल है तू भी यार। चलो भाई बालम जल्दी कर, जमार के टाइम हो गया। मैं आ रहा हूँ यार, बस मुंह धो लूं, वजू वजू कर लूं। अबे मुझे अच्छी तरह से पता है ये क्या गेम चल रही है। क्या चल रहा है? अबे ये सपना के चक्कर में मुंह धो के पॉलिश वालिश मांगे चमका के बैठ रहा भाई। शर्म कम काम है बालम, एक लड़की के चक्कर में तो तनाव ही छोड़ रहा है। अबे ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम लोग जाओ मैं आ जाऊंगा। कोई नहीं जा रहे, जल्दी कर तुझे साथ ही लेके जाएंगे। अरे भाई मैंने कहा ना तुम लोग निकलो, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पीछे। भाई बात सुन, हम लोग चलते हैं भाई, इन मजनू के चक्कर में हमारी तरावी भी जाएगी। आ जा। लानत तेरी शक्ल पे। किसी का नहीं, तराबी नहीं बने दिया तू अभी तक? जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तबीयत क्या है ना भारी हो रही थी। मुझे सब पता है, तू दिन कतरों में है ना, तू वो आई और चली गई। क्या वो कब आई? इंतजार था ना था बेधरम। माँ मेरी शादी करा दो सपना से। क्या तेरी शादी करवा दो सोती थी? अरे तेरी हिम्मत देती हूँ मुझसे ये बात करनी थी। यार अब क्या कह दिया मैंने अम्मा, तुम मुझे अच्छी लगती है सपना। अरे अच्छा ही दे तेल लेने, शादी करते उतने तक फ्रेम पे दुत्ते में देना। बेच दूंगा, काम काम होता है। दफा हो जा, चल दा मत दी, वरना ये तेरी भूरी फसल है ना इसको चप्पल मार मार के ताला कर दूंगी। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ जा रहा हूँ, एक बार सोचना जरूर। रुकती मेरी चप्पल, चल निकल निकल। इतना मालूम नहीं जाता रहेगा। इतनी बार उठाया है, अब नहीं उठ रहा क्या करूँ? तो क्या उसको रोजा नहीं रखना क्या? भाई रोजा रखेगा, कितना सवाल कर रहा, रख लेगा, नहीं उठ रहा। मैं जाता हूँ। बैठ भाई बैठ जा, दो तीन मिनट रहेगा तेरे खत्म होने में। जा रहा हूँ।
तुम्हारी हालत तो खराब नहीं हो रही, खाना खाओ, मर थोड़ी जाएंगे, रोजा कोई मुश्किल तो हम थोड़ी है। रोजा रखते उसकी हालत देख कैसी हो जाएगी, उठना चाहिए उसको। हमें तो दे दो, निहारी पी जाएंगे हम लोग। हाँ लाइक हाथ पूरा निवाला कर लूं, हजार नंबर टाइम है ना, बंद कर दो, बंद बंद कर दो, मैंने तो चीज से खाया भी नहीं। क्या उम्र है भांजी की? 2.5 साल है जी। डॉक्टर को दिखाया? जी डॉक्टर साहब ने ना दवाइयाँ दी हैं। यही है जिंदगी। भाई शेरी का टाइम हो गया भाई। शेरी का टाइम खत्म भी हो गया है, 12 बज रहे हैं दोपहर के। क्या 12 बज गया और मैंने शेरी नहीं की? अबे मुझे उठाया भी नहीं शेरी में। इतना तो उठाया था, और कितना उठाती, आप उठे ही नहीं। तू कहना चाह रही है कि आज मुझे बगैर शेरी को रोजा रखना पड़ेगा? क्यों, आपने तो बचपन से एक भी रोजा नहीं छोड़ा, तो फिर तो आपको आदत होनी चाहिए बिना शेरी के रोजा रखने की। अबे ओ भाई बात सुनो, ये भी तो रिकॉर्ड चल रहे, 20 साल में जाए एक रोजा नहीं छोड़ा, 20 साल में एक शेरी भी नहीं छोड़ी मैंने। तौबा है, इतनी लंबी लंबी तो ना फेंके, झूठ की हद होती है। झूठ नहीं बोल लिया रोजे में, और रोजे में मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर तो आपका नाम गिनीज बुक में लिखना चाहिए। उड़ा ले मजाक उड़ा ले, बाकी सबका मैं एक ही से पूछूंगा, मेरे वोट आया क्यों नहीं? एक रोजादार को एक मुसलमान का रोजा खराब करवा दिया, मेरी हद होती है। अबे यार आज तो सूरज सवार नहीं देते, पता नहीं पैक कैसे गुजरेगा रोजा। अबे रहने दे यार, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा सोच जिसने बगैर शेरी के रोजा रखा हुआ है यार, आखिरी दफा कल शाम अवतार में खाया था। ये तो किसने कहा था तुझे गधे घोड़ों की तरह सोने को, आदमी उठा भी तो सकता है बंदे को यार। अबे मैं तो उठाने जा रहा था, नन्नी ने मना कर दिया मुझे। अबे तो 2 मिनट पहले उठाने से क्या फायदा होता? अबे उसका सोच जिसने बगैर शेरी का रोजा रखा है, आदमी गला ही तर कर लेता अपना यार। तेरा गला तर होने के चक्कर में हम लोग अपनी शेरी छोड़ दें? अबे यार चल कोई बात नहीं, हिम्मत से काम रहे, मर जाती। अबे तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, मेरी नफ्स पे अटैक हुआ अटैक। तू पागल वागल तो नहीं हो गया? क्या मतलब नफ्स पे अटैक हुआ? अबे आना, हर दफा लफ्ज जो है वो शेरी याद दिलाती है, और याद भूख को चमकाती आए। अबे यार तू अपनी नफ्स का इलाज करवा ले भाई, तू और नन्नी किसी वलीउल्लाह के पास चली जाए, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। इधर ठीक मशवरा देके गया बिल्कुल। अरे चल ना जल्दी, चल क्या वली जल्दी चला, चलती है आनी तो चले, नन्नी को तो बुलाए, उतार रहे नहीं, पता नहीं हो जी क्या तो पानी ओ। रोजे में? हाँ भाई ये कहा की तैयारी है भाई। उठा लिए तूने अपने पलटों से पत्थर? मेरे तो उठा ली, मेरा सिर्फ एक ये सवाल है, मेरे ऐसे तुम लोग के साथ क्या किया जो मेरे को शेरी पर नहीं उठाया, बगैर शेरी का रोजा रखना पड़ गया। इतनी देर ही नहीं सोता, ऐसे तो मेहनत भी नहीं सोते जैसे तू सोता। अब घर में पड़ा रहे, मैं धनु नन्नी बता जा रहे, इतनी गर्मी में कौन ज्यादा बड़ा, अभी इतनी शदीद गर्मी है बेहोश हो जाओगे तुम लोग। अरे उतनी बदवाएं देने शुरू कर दी तूने, है रोजे था तो लिहाज कर ले। गोली तुम जाकर ना अंदर सो जाओ, देखो तुम्हारा रंग कितना पीला हो रहा है। ए? अब रोजे में मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, तुम्हें यकीन नहीं है, जाकर आईना देख लो, अपनी शक्ल देखो जाकर। हाँ। अरे सुन नन्नी से बात ना, अगर तोड़ी नियाद मिलने नहीं आए तो तेरे जल्दी से बाहर आना, हम लोग बता जा रहे। बोल देता उसको, एक तो तुम लोगों ने उठाया नहीं, फिर इतनी शदीद गर्मी में तुम लोग जा रहे हो बाजार, प्याज व्याज रख लेना, टोटका नहीं होता है क्या, कितनी हीट सीट रोग ना हो जाए। हाँ, तू दादाजी से भेज दो, मेरे मुंह को क्या होगा। अल्लाह क्या करो, मुझे तो प्यास लग रही है अभी से, तो मैं तो बल लगता हूँ, सुबह गर्मी लग रही है बहुत होती।
गए छोटे सर जी? बहुत मुश्किल से सोए हैं, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। अब खड़ी क्या हो, जाओ, कोई काम है क्या? नहीं बीबी जी, वो मेरी भांजी है ना, उसको भी बड़ा नजला जुकाम रहता है। अच्छा, क्या उम्र है भांजी की? 2.5 साल है जी। डॉक्टर को दिखाया? जी, डॉक्टर साहब ने ना दवाइयाँ दी हैं और दिन में ना एक टाइम वो कराने के लिए कहा है, वो क्या कहते हैं, नेबू करके कुछ था, पता नहीं, कहते सांस आती है उससे। नेबुलाइज करवाने का कहा है? हाँ जी हाँ जी। अरे बीबी जी, अब आप देखे ना, दवाओं के साथ ये सब नेबुलाइज कराना कितना मुश्किल है। 1,000 का नोट चाहिए, हम जैसे गरीबों के लिए तो 1,000 1,00,000 के बराबर है। बताएं बंदा कहाँ से पूरा करे। क्यों, तुम्हारी बहन का शौहर नहीं है क्या, वो क्यों नहीं लेके जाता डॉक्टर के पास? नहीं जी, वो कमबख्त मारा तो मेरी बहन को छोड़ के कब का चला गया। इतना सारा जहेज दिया था, मैं अपनी जेब काट काट के जहेज बनाया था अपनी बहन का, वो भी सारा हड़प करके ले गया। तो क्या वो बहन तुम्हारे पास ही रह रही है? हाँ जी, छोटी बहन है, उसका मेरे अलावा और है ही कौन। उस बच्ची की वजह से बड़ी परेशान है, क्या करे समझ नहीं आता। भाई डॉक्टर से बात कर, वो अपनी फीस में कोई कमी बेशी कर देगा। अरे बीबी जी, डॉक्टर ने तो मगरमच्छ की तरह मुंह खोला है, बस नोट भरते रहो उनके मुंह में। और अब तो ईद आने वाली है, अब तो वैसे ही उनके दिमाग आसमानों में पहुंचे हुए। कह रहे हैं अगर रोज नेबुलाइज नहीं करा सकती ना, तो एक मशीन खरीद लो। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, तुम पहले डॉक्टर से बात तो करो, मैं दुआ करूंगी तुम्हारी भांजी के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है? परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सो गया है, मैं जरा फ्रेश होने जा रही हूँ, ठीक है? तुम बशीर से कहो कि सारा सौदा ले। पूरी कहानी खोल के रख दी सौरभ के सामने, जो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्या करूं सर जी। हाँ बिल्लो, तुम्हारी भांजी थी ना, आजकल स्कूल जा रही है? हाँ जी, वो तो बहुत खुश है, बस आजकल ना थोड़ी सी बीमार है। अरे क्या हुआ है? वो ही नजला जुकाम, और क्या। तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाए हैं? हाँ जी, वो ना कह रहे हैं उसको वो कराओ, क्या कहते हैं जी, वो नेबू करके जो होता है कुछ, नेबू। अच्छा अच्छा अच्छा, नेबुलाइज। हाँ हाँ, नेबुलाइज। हाँ हाँ, तो करवाया तुमने? कहाँ सर जी, करवाऊंगी जरा रुक के। अभी करवा लो, आजकल मौसम ऐसे ही है, बच्चों की तो बड़ी केयर करनी पड़ती है। क्यों नहीं करा रही? आपने उसे पैसे क्यों दिए? अरे क्यों नहीं देने चाहिए थे भाई? यार ये आप कब से इतनी सेल्फिश हो गई हैं? तुम क्यों मुझ पे कयामत ढा रही हो? चला दे बेटा, मेरी तबीयत बहुत भारी हो रही है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। क्या क्या क्या, अभी तो बिल्कुल ठीक चल के आई थी। हाँ, मुझे तो लग रहा है आप दोनों बिल्लो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। इजाज, मैं चाहती हूँ कि बिल्लो को इस घर से निकालें। क्या, पूरा एक तरबूज खा लिया आपने? हाँ, तो भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज, फ्रिज खोला तो उसमें ठंडा ठंडा तरबूज रखा था, इतना मजे का लगा मैंने तो पूरा खा लिया। मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो। ईशा, मैं मजबूत इंसान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब यही देख लो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मुझे कैसे समझाओ।